हेलो दोस्तों, आज की हमारे इस वीडियो का टॉपिक रहेगा कोठारी आयोग, कोठारी कमीशन, जिसका दूसरा नाम है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, जो कि बना था 1964 1966 तक। और ये मेरे दूसरे चैनल का पहला वीडियो है, तो सबसे पहले तो आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्वेस्ट। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जैसे आपने मेरे पहले वाले चैनल पे मुझे सपोर्ट किया है, उसी तरीके से आप इस चैनल पे भी सपोर्ट करेंगे। और इसमें जो भी वीडियोस आएंगी, वो आपकी जो लेक्चरर का एग्ज़ाम है उसमें स्क्रीनिंग का जो सिलेबस है उससे ही रिलेटेड वीडियोस मैं इसमें डालूंगी। अभी टीचिंग एप्टीट्यूड वाला सेशन चल रहा है, इसके बाद उत्तराखंड में आएंगे और धीरे धीरे जाके हम जीके और जो अदर चीज़ें हैं वो भी हम इसमें कवर करेंगे। सबसे पहले एप्टीट्यूड इसलिए बिकॉज एप्टीट्यूड आपका 40 मार्क्स का है और इससे आपकी एलटी के लिए भी तैयारी हो जाएगी और अदर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है उसमें ये सारे आयोग्स पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और कोठारी आयोग के बारे में पढ़ते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आयोग है। तो सबसे पहले अध्यक्ष की बात करें, अध्यक्ष हमेशा पूछे जाते हैं आयोगों के। तो इसके अध्यक्ष थे डीएस कोठारी, और डीएस कोठारी का फुल नेम था दौलत सिंह कोठारी। बहुत बार पूछा जाता है। अगला पॉइंट, अन्य नाम, यानी कि ये जो आयोग था कोठारी आयोग, इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है। और किस नाम से जाना जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964 से 1966। अब ये 1964 से 1966, इसका मतलब क्या है कि दूसरे पॉइंट्स में बताती हूँ, ये इन चीज़ों को नोट कर लेना। ये भी पूछा जाता है कि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का अन्य नाम क्या है या फिर कोठारी आयोग का अन्य नाम क्या है। नेक्स्ट पॉइंट, इसके जो अध्यक्ष थे वो तो डीएस कोठारी थे और इसके सेक्रेटरी थे जेपी नायक, एंड इस आयोग के एसोसिएट सेक्रेटरी थे जेएफ मैकडूगल। इसको भी नोट कर लेना, सेक्रेटरी और एसोसिएट सेक्रेटरी भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट, जो इस आयोग का गठन हुआ था, फॉर्मेशन हुआ था, वो हुआ था 14th of July 1964। इसलिए यहाँ पे क्या है, स्टार्टिंग में 64 है। और जो इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी भारत सरकार को कि क्या क्या ये सुझाव दिए थे इन्होंने एजुकेशन से रिलेटेड, वो इन्होंने सौंपी थी 1966 में। दैट्स वाई इसका जो लाइफ टाइम पीरियड है वो 1964 से 1966 है। तो टोटल मेंबर्स की बात करें तो इसमें टोटल 17 मेंबर्स थे, जिसमें से 6 हमारे विदेशी थे। विदेशी जो लोग हैं उनकी भी राय जो है इस आयोग में दी गई थी। मेंबर्स भी पूछे जाते हैं और ये भी पूछा जाता है कि कितने विदेशी मेंबर थे, तो दोनों चीज़ें नोट करना। और अगला पॉइंट, स्वतंत्रता के बाद का ये छठा सिक्स्थ आयोग था और शिक्षा पर व्यापक संदर्भ के साथ पहला आयोग, क्योंकि कोठारी आयोग ने ये समीक्षा दी थी, ये संस्तुति दी थी कि एक जैसी जो एजुकेशन सिस्टम है वो पूरे देश के लिए कॉमन हो, एक जैसा हो। नेक्स्ट, 29 जून 1966 को कोठारी आयोग ने 287 पेजेस में अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी। कब सौंपी थी? 29 जून 1966 को। कितने पेजेस में? 287 पेजेस में। नेक्स्ट पॉइंट, डीएस कोठारी 1961 में यूजीसी के अध्यक्ष नियुक्त हुए थे, यानी कि जिस समय ये कोठारी आयोग के अध्यक्ष बने थे उस समय ये यूजीसी के भी अध्यक्ष थे। और ये 1961 में अपॉइंट हुए थे और इन्होंने वहां 10 साल तक अपनी सेवाएं दी थी। नेक्स्ट पॉइंट, आयोग की अब मुख्य जो सिफारिशें थी जो उसने अपनी रिपोर्ट में दी थी वो क्या क्या थी। तो सबसे पहले तो इसने कहा था कि बालिकाओं को विज्ञान व गणित की शिक्षा, जैसे मुदालियर आयोग ने बालिकाओं के लिए गृह विज्ञान की व्यवस्था की थी, लेकिन इसने लड़कियों के लिए भी साइंस और मैथ्स की शिक्षा पे जोर दिया था। नेक्स्ट पॉइंट, 25% माध्यमिक स्कूलों को व्यावसायिक स्कूलों में बदला जाए। और थर्ड, इसने कहा था कि जो प्राथमिक शिक्षा है वो मातृभाषा में हो, मदर टंग में ही प्राइमरी एजुकेशन बच्चे की हो। और माध्यमिक स्तर पर जब वो 6th 7th 8th में स्थानीय जो भाषाएं, जो लोकल लैंग्वेजेस हैं, उस वो सब बच्चों को पढ़ाई जाए। नेक्स्ट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार कुछ 10+2+3, 10+2+3 के पैटर्न को पूरे देश में लागू किया जाए। 10+2+3 जो अभी भी व्यवस्था है, हालांकि अब जो नई एजुकेशन पॉलिसी है
उसके लागू होने के बाद ही चेंज हो जाएगी, लेकिन ये पूछा जाता है कि 10+2+3 का सूत्र किसने दिया था, तो ये दिया था कोठारी आयोग ने। सो वर्किंग आवर्स के बारे में कोठारी आयोग ने कहा था कि वर्किंग आवर्स कम से कम 1000 घंटे होने चाहिए और उससे कम नहीं होने चाहिए, 1100 से 1200 के बीच में होने चाहिए। और वर्किंग डेज जो कार्य दिवस हैं स्कूल में 234 और कॉलेजेस में 216 होने चाहिए। नेक्स्ट उन्होंने कहा था 1 से 3 वर्ष तक पूर्व प्राथमिक शिक्षा, जिसको मॉन्टेसरी, किंडरगार्टन, ये सब ये कोठारी आयोग ने ही कहा था। नेक्स्ट 6 वर्ष पूरे होने पर पहली कक्षा में नामांकन, जैसे कि आज भी होता है, जब बच्चा 6 साल का होता है तब वो पहली फर्स्ट क्लास में एडमिशन लेता है, तो ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट विषय विभाजन, कक्षा 9 के बजाय कक्षा 10 के बाद हो, इम्पोर्टेंट है। मुदालय आयोग ने कहा था कि 9 के बाद हो, लेकिन उन्होंने कहा 10th के बाद, और अभी की जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें भी सब्जेक्ट का जो डिवीजन होता है वो 10th के बाद ही होता है। 10th के बाद ही, 10th तक तो सबके सब्जेक्ट सेम रहते हैं, उसके बाद कुछ बच्चे आर्ट्स लेते हैं, कुछ साइंस लेते हैं, कुछ कॉमर्स लेते हैं, तो ये जो बात है ये कोठारी आयोग ने ही कही थी। नेक्स्ट पॉइंट, पहली सार्वजनिक परीक्षा 10 वर्ष की विद्यालय शिक्षा को पूरी करने के बाद हो। नेक्स्ट पॉइंट, विज्ञान की शिक्षा स्कूल से शुरू, इन्होंने मैथ्स और साइंस की शिक्षा पे बहुत ज्यादा फोकस किया था, और इन्होंने कहा था कि माध्यमिक विद्यालय 2 प्रकार के होने चाहिए, एक तो होने चाहिए जूनियर माध्यमिक और दूसरे उच्च माध्यमिक। और मोस्ट इम्पोर्टेंट कोठारी आयोग से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें जरूर पूछा जाता है कि त्रिभाषी सूत्र सर्वप्रथम किसने दिया था, तो त्रिभाषी सूत्र कोठारी आयोग ने कैसे दिया था। पहला उन्होंने कहा था कि पहली लैंग्वेज त्रिभाषी, या मतलब 3 लैंग्वेज हो, तो पहली लैंग्वेज उन्होंने बताई थी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा। दूसरा उन्होंने कहा था संघ की राजभाषा, जो भी संघ की राजभाषा हो, जैसे कि अभी हमारी हिंदी है। थर्ड उन्होंने कहा था एक आधुनिक भाषा या विदेशी भाषा, लेकिन इसमें क्या शर्त रखी थी, ये भाषा ऐसी होनी चाहिए जो ऊपर ना चुनी गई, यानी कि इन दोनों से डिफरेंट होनी चाहिए, और वो भाषा एजुकेशन का मीडियम भी नहीं होनी चाहिए। यानी कि कोई भी, इनका जो मोटिव था मेन वो ये था कि कोई भी बच्चा स्कूल्स में कम से कम 3 लैंग्वेजेस सीखे। फर्स्ट तो उसकी मातृभाषा होगी, जो इन्होंने कहा था कि वो प्राइमरी लेवल जो है उसका वो मातृभाषा में ही पढ़ाया जाए। दूसरा संघ की राज्यभाषा बच्चे को आनी चाहिए, उसके अलावा कोई भी एक आधुनिक भाषा या फिर कोई विदेशी भाषा हो, लेकिन वो भाषा बच्चे ने पहले नहीं सीखी हो और वो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ना हो। नेक्स्ट ये देखिए, डिग्री स्तर तक मातृभाषा शिक्षा का माध्यम, लेकिन अंग्रेजी भाषा को संपर्क भाषा के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए, यानी कि इंग्लिश को इन्होंने नहीं छोड़ा था। हालांकि एजुकेशन का मीडियम तो हिंदी भाषा रखना चाहिए, लेकिन अंग्रेजी को भी उसके साथ एज ए लैंग्वेज पढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रौढ़ शिक्षा का सुझाव किसने दिया था, ये दिया था कोठारी आयोग ने, इसको याद कर लेना। या और इसमें ये कहा था कि 15 से 30 वर्ष के जो भी अशिक्षित लोग थे, अनपढ़ लोग थे, उन लोगों के लिए प्रौढ़ शिक्षा का आयोजन होना चाहिए, चाहे वो स्कूल के टाइम पे हो या फिर स्कूल बंद होने के बाद हो। नेक्स्ट पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे पॉइंट्स हैं, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, प्रौढ़ शिक्षा, और ये जो ये वाला पॉइंट है 1968 की शिक्षा नीति, ये पूछा जाता है अक्सर। तो ये क्या है, ये है कि कोठारी आयोग के प्रतिवेदन पर ही भारत की प्रथम शिक्षा नीति 24 जुलाई 1968 को घोषित की गई। तो 3 क्वेश्चन बन रहे हैं कि भारत की प्रथम शिक्षा नीति की का प्रतिवेदन किसने दिया था, कोठारी आयोग ने। भारत की प्रथम शिक्षा नीति कब बनी थी, 24 जुलाई 1968 को, याद कर लेना, बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट, इस शिक्षा नीति में, ये जो 1968 की शिक्षा नीति और कोठारी आयोग है, इनमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, दोनों लगभग सेम ही हैं। तो इन्होंने ये कहा था कि 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा, जो कि अभी चल रहा है, इस शिक्षा नीति में ये बात की गई थी। नेक्स्ट, शिक्षा पर GDP का 6% खर्च होगा, ये इन्होंने कहा था। अभी भी आई थिंक प्रेजेंट में भी एजुकेशन पर GDP का 6% ही खर्च होता है। नेक्स्ट, जो मेन एम्स थे कोठारी कमीशन के,
इन्होंने अपनी रिपोर्ट में जो दिए थे वो ये चार एम्स थे, मतलब ये इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, गुणवत्ता में सुधार के लिए इन्होंने काम किया था, और स्कूल एंड नेशनल इंटीग्रेशन, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, व्यापक रूप भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पूरे देश में एक जैसी शिक्षा व्यवस्था जो लागू करना चाहते थे, और एजुकेशन एंड मॉडर्नाइजेशन, एजुकेशन को नए सिरे से शुरू करने का काम इन्होंने किया था, और साथ ही साथ इन्होंने सोशल मॉरल एंड स्पिरिचुअल, सामाजिक और जो भी मॉरल वैल्यूज होती हैं, धार्मिक, सभी चीज़ों को मिलाते जुलाते हुए एक बहुत बढ़िया एजुकेशन पे काम किया था, और इनकी काफ़ी सारी चीज़ें आज भी, आज के टाइम पे भी स्कूलों में लागू होती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वैसे तो अगर हम कोठारी कमीशन पढ़ेंगे तो फिर उसमें बहुत ज़्यादा इतिहास और ये सारी चीज़ें होंगी, लेकिन ये सारी चीज़ें पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है, वही पढ़ो जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़नी है। और आज के लिए आपका क्वेश्चन ये है कि भारत के भविष्य का निर्माण उसके कक्षा कक्षों में हो रहा है, ये किसने कहा था, ये मुझे कमेंट में बताइएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ 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 मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आप लोग का सपोर्ट होगा, आप लोग के इंटरेस्ट को देखते हुए ही मैंने ये दूसरा चैनल स्टार्ट किया है, बिकॉज उसमें बहुत ज़्यादा भी खिचड़ी बन जा रही थी सारी चीज़ें एक साथ। तो प्लीज़ सपोर्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, बिकॉज आप लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे साथ जुड़े होंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।